हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डीआर एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलेग्रा टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका प्राइस, इसके यूजेस, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। लास्ट में आपको बताऊंगा कुछ सेफ्टी एडवाइस। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते डायरेक्ट वीडियो की तरफ। जो हमारी एलेग्रा टैबलेट है उसका जो प्राइस है लगभग हमारी 240 रुपये की है, जिसकी एक स्ट्रिप में आप जैसे देख रहे हो 10 टैबलेट होती है और यह हमारी सनोफी इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है। इसके जो कॉम्पोजिशन है इसमें फेक्सोफेनाडिन 120 मिलीग्राम होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एलेग्रा टैबलेट क्यों इस्तेमाल करी जाती है और डॉक्टर कब देते हैं और क्या क्या इसके यूजेस हैं। जो इसके यूजेस देखे गए हैं हमारे एलेग्रा 120 mg टैबलेट के, ये हमारी एक टाइप की एंटी एलर्जी मेडिसिन है। इसमें देखा गया है अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी होती है तो उस समय जो उसके सिम्टम्स दिखते हैं उसको मिनिमाइज या उसको कम करने में बहुत ही सहायता करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एलर्जी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है एलेग्रा 120 mg। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को कॉमन कोल्ड हो जाता है तो उस समय उसे छींकें भी आती है, उसके नाक से पानी भी आने लगता है, मतलब रनी नोज भी होने लगता है और कंजेशन भी हो जाता है और स्टिफनेस भी हो जाती है उसके नाक में, तो उस समय उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है एलेग्रा 120 mg टैबलेट। और ये भी देखा गया है अगर व्यक्ति के स्किन एलर्जी हो जाती है तो उस समय उसके स्किन पर रेडनेस आ जाती है, ईचिंग होती है, इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको भी ठीक करने में बहुत ही हेल्प करता है हमारा एलेग्रा 120 mg टैबलेट। और यह भी देखा गया है कि अगर आंखों से पानी आता है कि एलर्जी की वजह से और ज़्यादा ही छींकें आ रही है, स्नीजिंग हो रही है, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। तो जो ओवरऑल देखा गया है एलेग्रा 120 mg टैबलेट के यूजेस, ये हमारी एक टाइप की एंटी एलर्जी मेडिसिन है। अगर किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है स्किन पर या तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है जैसे आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, तो इन सब को कम करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो यही है इसके यूजेस। अब मैं आपको बताता हूँ जब इसको देते हैं तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं एलेग्रा 120 mg के। जो साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं, कई बार लेने के बाद हेडेक सा लगता है, डिजीनेस भी आती है, मतलब घबराहट सी होती है, नोजिया मतलब वॉमिट लगेगा और कई बार वॉमिट भी हो जाती है। तो यही कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट। इससे ज़्यादा लगे तो डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें जिससे वो आपकी मेडिसिन चेंज करके फर्दर बेस्ट रिजल्ट दे सके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे कि दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से ही अगर आप लेते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एलेग्रा 120 mg टैबलेट को। डॉक्टर अपने अनुभव से देता है आपकी एलर्जी कंडीशन देखकर कि आपको कितनी है और आपको कितना ही कोल्ड हो गया जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो इसकी नॉर्मल डोज है जो अडल्ट व्यक्ति ले सकता है, वो दिन में एक टाइम ले सकता है, वो भी रात में ज़्यादातर देते हैं जिससे बेस्ट रिजल्ट मिल सके। दिन में एक बार ले सकता है 18 साल से ऊपर वाले 120 mg। इसकी 180 mg भी आती है, लेकिन मैं अभी इस 120 mg की बात कर रहा हूँ। तो यही है कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और खाना खाने के बाद ही लेना है इसको। अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है हमारा एलेग्रा 120 mg टेबलेट। एलेग्रा 120 mg में हमारा फेक्सोफेनाडिन होता है, जो कि एक टाइप का हमारा एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है। ये क्या करता है, जो भी केमिकल मैसेंजर होते हैं जिसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन हो रही हो, जो सिम्टम्स दिखते हैं ईचिंग के, रेडनेस है, स्वेलिंग, इरिटेशन, स्नीजिंग और भी, अथवा आँखों से पानी आना, नाकों से पानी आना, ये सारे जो भी सिम्टम्स होते हैं इनको मिनिमाइज करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो यही है कि ये कैसे वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी एलेग्रा 120 mg टेबलेट है इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस। दोस्तों, जो इसके सेफ्टी एडवाइस है, पहले तो आपको डॉक्टर के एडवाइस से ही लेना है इस मेडिसिन को। और जो प्रेग्नेंट लेडी है, ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, कृपया करके डॉक्टर की एडवाइस से ही लें। और अगर आप अदर कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं जिससे ड्रग टू ड्रग कॉन्ट्रा इंट्रैक्शन ना हो, मतलब कोई दूसरी मेडिसिन और इस मेडिसिन से
प्रॉब्लम ना हो सके इसलिए। और ओवरडोज बिल्कुल ना लें, अगर जैसे आपने लिया कि आपको तुरंत लग रहा है कि फील नहीं हो रहा सही से, तो ये नहीं कि इसकी डोज दो वाले डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है, जितना डॉक्टर ने बोला दिन में उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा ओवरडोज लोगे तो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो दोस्तों यही है पूरी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।